डीएच इस्लामाबाद रावलपिंडी की न्यूएस्ट एंड स्मूदेस्ट बुले वार्ड कौन सी हैलकम टू एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑप्शनियंस आई कैन टेल यू रिसेंट टाइम्स में कस्टमर्स का जो रुझान है वो हमें बिग बुले वार्ड से बिग रोड से शिफ्ट होते हुए जो है वो नज़र आ रहा है लोग अक्सर अपना ये कंसर्न हमारे साथ शेयर करते हैं कि लिविंग एक्सपीरियंस इन बड़ी सड़कों पर अनप्लेजेंट जो है वो रहता है बिकॉज यू हैव ट्रैफिक मूविंग देयर ऑल डे लॉन्ग नॉइज डिस्टर्बेंस रहती है uh, दस सारा दिन आपके घर में जो है वो आती रहती है एंड यू नीड टू बी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव ऑफ योर किड्स एज वेल नॉट जस्ट इफ़ यू लिविंग ऑन अ बिग बुलेवार्ड बट आल्सो व्हेन यू लिविंग ऑन स्ट्रीट्स फोर्टी फीट वाइड स्ट्रीट्स और सिक्सटी और एट्टी फीट वाइड एवेन्यूज बिकॉज छोटे बच्चे जो हैं वो बगैर देखे जैसे गेट खुलता है रेकलेसली बायर जो है वो भागना दौड़ना शुरू हो जाते हैं हावेर बिग बुले वार्डस की नीच मार्केट जो है वो हमेशा रहती है देर ऑलवेज कस्टमर्स आउट देर हुनली वट टू लिव ऑन वन ऑफ दीज बिग बुले वार्डस और अक्सर जब हमारी कस्टमर्स के साथ डिस्कशन होती है एंड ऑन फर्दर प्रोबिंग आई कम टू लर्न कि उन्होंने अपने चाइल्ड हुड में या एनी पॉइंट इन देर लाइफ एक ऐसे घर में टाइम स्पेंड किया होता है जो बड़ी सड़क पर था ठीक है दे रियली ट्राइंग टू री रीक्रिएट दैट नो स्टैलजिक वाइप उस वक्त वैसे भी काफ़ी लोगों की प्रेफरेंस होती थी आज से बीस तीस साल पहले कि बड़ी सड़क के ऊपर घर होना चाहिए ताकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सेस है वो बहुत ईजी रहे ठीक है दैन एक ग्रैंड और ओपन वाइप भी आपको मिलती है बिग बोले वार्ड पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डबल रोड विद इन सिक्सटी फीट वाइड और एटी फीट वाइड और इवन हंड्रेड फीट वाइड आई एम टॉकट एटलीस्ट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फीट वाइड बिग बोले वार्ड जिस ना सिर्फ डबल रोड है बल्कि सात सर्विस टेन भी मौजूद होती हैं ठीक है एंड जस्ट एफ वाई आई फॉर एनी रोड टू क्वालिफाई द बिग बोले वार्ड उस पर डबल रोड के साथ सर्विस लेन भी होनी चाहिए और इस तरह की जो रोड्स हैं वो सेक्टर्स को डिवाइड करती हैं इसलिए है हम उनको बोले वार्ड्स कहते हैं जैसे ठीक है फेज़ फाइव इस्लामाबाद में आप जैसे ही एंटर होते हैं तो जो द फर्स्ट साइड दैट यूर है रोड देट यूर बिग बोले वार्ड दैट यू ट्रैवलिंग ऑन इस लिया खान बोले वार्ड जो सेक्टर ए को बी से डिवाइड करती है ठीक है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्लाट्स के बारे में भी बताता हूँ जो लियाक़त अली खानुले वार्ड पर मौजूद हैं स्टार्टिंग फ्राम uh, जो हमारा रेफरेंस है इस डिस्कशन का इट विल स्टार्ट फ्राम फाइव आचिस मोन्यूमेंट टू फ्लेम बिस्टा मोनूमेंट ये दोनों अभी रिसेंटली जो है uh, वो बने हैं ठीक है नंबर वन द रोड इज़ एब्सोलुटली ब्यूटीफुल ड्रोन फोटोज भी जो है वो देखिए रात को आप आएँस को लुक्स एब्सोलुटली अमेजिंग इन्होंने साइड पर रोड के पे जो लाइट्स लगी होती हैं वो भी uh, लगाई होती हैं ठीक है सेक्टर ए के जो प्लाट्स हैं वो सारे सन फेसिंग हैं मतलब uh, बुले वार्ड पर भी हैं और सन फेसिंग भी और हाईवे से तकरीबन 600-700 मीटर दूर है ठीक uh, uh, I mean, है डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड द लोकेशन ऑफ़ द प्लॉट आई मीन डिस्टेंस फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे सेक्टर बी के हैं वो नॉन सन फेसिंग है मार्गला uh, फेसिंग है पर लेकिन अगर नॉट uh, दैट के आई थिंक दिस इज़ दैट बिग अ फैक्टर कि मार्गला फेसिंग है uh, क्योंकि ज़्यादातर तो आपको पता है आपको मार्गला की पहाड़ियाँ नजर नहीं आ रही होती हैं लेकिन जब बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो येस यू डू गेट अ व्यू देर इज़ नो डाउट इन दैट तो एक आप कह लें कि छोटा सा एज है सेक्टर बी के प्लॉट को रिगार्डलेस के वो नॉन सन फेसिंग है बट एक मार्गल ऑफ़ व्यू वाला पॉइंट जो है वो डेफिनेटली मौजूद है आपको नज़र आती हैं साल के कुछ दिन वहाँ से मार्गल की कि पहाड़ियाँ एटलीस्ट उनका एटलीस्ट शेडो ऑफ दैम अच्छा जी सेक्टर ए पे जो प्राइस है अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लॉट्स जो कंफर्म बेसमेंट्स हैं जैसे पाँच छः प्लॉट चार नंबर पे तो घर बना हुआ है और फ्रेम विस्टा की लेफ्ट साइड पे जो कुछ प्लॉट्स हैं जो डबल बेसमेंट प्लॉट है व्यू आपको बहुत मिलेगा लेकिन यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दट लॉट ऑफ बक्स फॉर दैट ठीक है सेक्टर ए सन फेसिंग प्लाट थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट नाइन सेलिंग प्राइस ईजी जो प्लॉट की बात कर रहा हूँ इट्स अ कॉर्नर प्लॉट फोर फोर पॉइंट टेन सेलिंग प्राइस ईजी उसके क्रॉस जो सेक्टर बी के हैं एक से लेके पच्चीस तक की मैं बात करने लगा हूँ थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट एट की सेलिंग प्राइस ईजी यहाँ पे जो है वो आपको मिल जाती है वेदर योर बायर और सेलर 26 से ऑनवर्ड्स जो प्लॉट हैं 39 तक वो रिटेनिंग वॉल वाले प्लॉट्स हैं आई थिंक दे आर नो मोर देन 3.5 3.6 जस्ट बिकॉज रिटेनिंग वॉल वाले प्लॉट हैं इनके पीछे जो प्लॉट्स हैं स्ट्रीट नंबर वन के वो ऊंचे हैं ठीक है सो uh, so, उसके बाद जैसी फ्रेम विस्तार से आते हैं तो लियात अली खान रोड बुले वार्ड uh, जो, वार रो, वार जो है वो डवर्ट हो जाती है एक साइड पर जो और बुले वार्ड निकल जाता है ऊपर की तरफ और एक साइड पर लियात अली खान बुले वार्ड जो है वो एक्सटेंड हो रहा है ठीक है अब अब जो पैच है इसका लियात अली खान बुलेवार्ड का विच इज़ नाउ फेसिंग द कमर्शल उसमें जो बेसमेंट वाले प्लॉट हैं उनको निकाल के जो लेवल प्लॉट हैं वो तीन पचास साठ की इनकी सेलिंग प्राइस मौजूद है बड़े कन्फर्म बोनाफाइड सॉलिड हैं इनमें से एक प्लॉट पे हम अपने क्लाइंट का जो है घर भी बना रहे हैं सो सॉइल टेस्ट सो आई कैन टेल यू फॉर श्योर के कन्फर्म बोनाफाइड सॉलिड एरिया है ये थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स की सेलिंग प्राइस ईजी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाती है जो कमर्शियल फेसिंग है लेकिन लेवल सॉलिड प्लॉट है मैं सिर्फ जो बेसमेंट वाले प्लॉट है उनकी बात नहीं कर रहा अब उनकी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज दे आर अ वेरी वेरी टफ सेल डबल बेसमेंट्स वाले ये प्लॉट हैं और मैंने अपने करियर में टू बी ऑनेस्ट कभी इस पैच की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं देखी अच्छा लेकिन देख हां बोले वार्ड जैसी सेंट्रल खत्म खत्म होता है अलाइट बैंक जे मार्ट आपको नजर आती है राइट साइड पे गोल चक्कर है उसके आगे एक्सटेंड हो रहा है जहाँ पे प्लॉट नंबर सिक्सटी फोर से लेकर एटी तक है ठीक है इन माय ओपिनियन नॉट मोर देन थ्री थ्री पॉइंट टेन प्राइस इतना ज़्यादा इसलिए डिप खा रही है बिकॉज ये प्लॉट्स फील्ड एरिया पे हैं यहाँ पे जो है वो इन्होंने नाला बनाया वाटर पॉइंट हुआ करता था यहाँ पर एक नेचुरल तो कन्फर्म जो है यहाँ पर फिलिंग है दैट्स वाई मैं इनको जो है वो थर्टी मिलियन से ज़्यादा का जो है वो प्राइस टैग नहीं देता लेट्स गो टू अपार्ट फ्राम दिशियल पैच ऑफ जुले लियाकत अली खान बुले वार्ड जो मैंने आपको बताया फ्रेम विस्ता मोन्यूमेंट और फाइव वार्चेज़ मोनूमेंट के बीच है जौहर बुले वार्ड इज़ माई फेवरेट सिर्फ ये वजह नहीं है कि हमारा ऑफिस जो है वो यहाँ पे uh, है बल्कि मेन वजह उसकी है कि इसके काफ़ी ज़्यादा पैचज हाइटेड हैं और बोनेफाइड 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 सॉलिड है एक से लेकर उनतीस तक जो प्लाट हैं सेंट्रल कमर्शियल फेसिंग वो बोनेफाइड सॉलिड प्लाट हैं और थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट एट की सेलिंग प्राइस यहाँ पे ईजी एग्जिस्ट करती है आ, बेशक सन फेसिंग नहीं है बट द व्यू जो उनके वो हाइटेड एरिया पे हैं आई थिंक सेंट्रल कमर्शियल जब के प्लाजा जब बन जाएंगे और सामने जो क्लब एरिया है वो अब क्लब एरिया बाय द वे नहीं रहा यहाँ पे प्लॉट की जो है वो कटिंग हो जो है वो होगी कमर्शियल बिल्डिंग्स व्यू थोड़ा ब्लॉक कर देंगे लेकिन स्टिल आपको अपनी घर की छत है उससे काफ़ी व्यू मिलता है येस हेयर अगेन आपको मार्गला व्यू जो है वो मिल सकता है गोल्फ कोर्स का व्यू भी जो है वो यहाँ से आपको मिल जाता है लेकिन घर की छत से ठीक है अच्छा जैसे ही फिर आपको सेंट्रल कमर्शल के सामने जो पैच है जॉर्जॉर्ट का उससे आगे आपको एक ग्राउंड बोर्ड नजर आता है वहाँ पे एक बड़ा अजीब सा मॉन्यूमेंट उन्होंने तो बनाया था जो भी डिस्मेंटल कर दिया आई होप कि वहाँ पे कोई अच्छा मॉन्यूमेंट बने उधर से आप लेफ्ट टर्न करते हैं ये ए स्कूल वाली रोड है यहाँ पे भी प्लॉट नंबर तीस से लेके फिफ्टी तक हाइटेड है ये सड़क बिल्कुल इस तरह स्लाइड हो रही है अनटिल इट गोज़ टू अनदर पोर्शन ऑफ बुले बुलेवार्ड जहाँ पे नाला है और यहाँ पे ईजीली तीन पैंसठ सत्तर साठ सत्तर आप कह लें कि आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिलेगी इस बात के बावजूद कि ए पी एस के सामने है इवन ए पी एस के सामने होने के बावजूद इसकी नीच मार्केट है इस पैच की ठीक है बिकॉज एक तो पक्का सॉलिड है और हाइटेड जो है वो ये एरिया है उसके बाद फिर एक राउंड अबाउट आता है और फिर एक और पैच जौहर बुलेवार्ड का शुरू हो जाता है Uh, उसमें सेक्टर सी के भी कुछ प्लॉट हैं सेक्टर बी के भी हैं ठीक है थीके? जो प्लॉट 55 से लेकर 85 तक हैं उनकी जनरल प्राइस ब्रैकेट आप कह लें थ्री से लेकर 3.4 तक की है बिकॉज एज यू गो डाउन प्राइज ऑफ गोज डाउन जो लेफ़्ट साइड पे सेक्टर सी के प्लॉट्स हैं जौहरपुले वार्ड के प्लॉट नंबर फोर से लेकर ट्वेंटी तक फोर वाले जो प्लाट हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बल्कि इवन आगे तक पंद्रह तक भी इनमें जो पार्क बैक जिन जिनकी बैक पे पार्क नहीं है वो तकरीबन तीन तीस पैंतीस के हैं जिनकी बैक पे पार्क है वो आराम से तीन पचास साठ के होंगे ये पार्क बाय बाइक अभी बना नहीं हुआ लेकिन जगह ठीक है ये लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिक्सटीन से लेकर जो सेवन तक प्लॉट हैं ये मे बी कॉम्प्रोमाइज लोकेशन हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड बिकॉज देर यूज़ टू बी ए नाला नेचुरल वाटर बॉडी जो यहाँ से गुजरती थी गुजरती थी रिगार्डलेस एक घर भी बन रहा है यहाँ पर वो भी मेरा ख्याल है उन्होंने पैलिंग की है तीन तीस पैंतीस की सेलिंग प्राइस यहाँ पे मौजूद है लुक्स फ्लैट अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लॉट्स बाकी जो है वो ठीक होंगे जो जौहर बोले वार्ड है नाले वाला ठीक है जो भी अभी रिसेंटली रिहेबिलटेट हुआ है यहाँ पे तीन करोड़ की सेलिंग प्राइस है बुले वार्ड के प्लॉट की तीन करोड़ की बिल्कुल बॉटम पे बॉटम प्राइस है आपको प्लॉट मिल जाता है यहाँ पे अगर कॉर्नर हो तो तीन दस तीन पंद्रह की प्राइस जो है नाले वाले जौहर बोले वार्ड पर आपको मिल जाती है अच्छा जौहर बोले का एक गजा सेक्टर डी की बैक साइड पर भी जाता है बट इन माई ओपिनियन एट डजन रेडी एज अ वार्ड इज़ जस्ट लाइक ए स्ट्रीट चले पचास फुट की होगी सो वी कॉन्ट रिली कॉमेंट ऑन डेट बाई द वे अगर उसके सेक्टर डी वाले प्लाट होंगे तो इन माई ओपिनियन नॉट मोर देन टू फोर्टी फिफ्टी जो किस नाम का बुले वार्ड है वो शौकत अली खान बुले वार्ड जो है वो जो सेक्टर बी को डी से सेपरेट करता है इन माई ओपिनियन दैट टू शुड नॉट बी कॉल्ड बुले वार्ड बिकॉज टेक्निकली इट डजेंट क्वालिफाई एस वन क्योंकि इसमें सर्विस सेन्स नहीं है बट सिर्स मैपे लिखा हुआ है एंड द प्राइज असमेंट ऑफ़ दिस बुले वार्ड इज़ लाइक टू एटी नाइन्टी जनरल प्लॉट plot कोर्नर प्लॉट होगा तो मे बी थ्री नॉट मोर दैन डैट वैसे uh, मेरा ख्याल है तीन से नीचे ही की इवन कॉर्नर प्लॉट भी आपको यहाँ पे मिल सकता है फेज uh, फाइव का आखिरी जो बुलेवार्ड है है ओनली बुलेवार्ड वार्ड विच इज़ नॉन डिवेलप इज़ अक्रम राजा बुलेवार्ड जो सेक्टर एफ वन को एफ़ से सेपरेट uh, करता है कुछ हिस्सा उसका टीले में है कुछ हिस्सा जो है अभी ग्रेट ऑफ आपको नजर आता है आई एम श्योर कि एक दिन जिस दिन ये बन जाएगा इट इज़ गोइंग टू एबसोलूटली मेगनीफिसेंट साइट चूंकि ये काफ़ी चौड़ा बोले जो है वो होगा और काफ़ी ज़्यादा एरिया को जो है ये क्रॉस करता है इस वक्त सेक्टर एफ़ में अगर प्लॉट आपको मिल रहा हो राजा करम बोले वार्ड पर वेदर यू बाय सेलर ढाई करोड़ की ऑल ड्यू प्राइस है सेक्टर एफ में लेकिन अगर एफ़ में हो एफ वन में हों जो बिल्कुल उसके सामने है तो टू तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव की जो है वो आपको ऑल ड्यू सेलिंग प्राइस मिल जाती है सोन दैट नोट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आर चैनल Property Cup Shop, if you're looking for a plot on one of these big roads, or if you're considering selling your property in on one of these big roads, feel free to contact us. Thank you very much.